नमस्कार दोस्तों, की फ्लूट की सीरीज़ में आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कुछ बातें हमें समझ लेनी चाहिए और मालूम होनी चाहिए। जैसे हम कुछ लोग जानते हैं इंडियन फ्लूट पर सरगम बजाना, तो दोनों फ्लूट में बहुत अंतर है। जिस तरह से इंडियन बाम्बू फ्लूट पर हमें किसी भी सुर से सरगम बजाना है तो सारे गम पद निशा फिंगरिंग सेम है। अगर काली एक से बजा रहे सी शार्प से, सारे गम पद सारे गम, काली दो से बजाना है ई फ्लैट से तो ई फ्लैट का फ्लूट लिया उस पर सारे गम, एफ पे बजाना है एफ का फ्लूट लिया सारे गम। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सुर चेंज होगा, फ्लूट चेंज किया, फिंगरिंग सेम रहेगा। सुर चेंज, फ्लूट चेंज, फिंगरिंग सेम। लेकिन की फ्लूट पर, जिसे इंग्लिश फ्लूट कहे, वेस्टर्न फ्लूट कहे, इस पर ऐसा नहीं है। अगर हमें सी सी से सरगम बजाना है, सी मतलब सफ़ेद एक, तो उसकी पोजीशंस, उसके फिंगर्स अलग रहेंगे। सी शार्प का लेना बजाना है तो उसके फिंगर्स, उसके सुर और उसके फिंगरिंग पोजीशंस अलग रहेंगी। एफ में ऐसे ही सारे सुरों में। तो हमें एक एक ही फ्लूट पर सारे सुरों के पोजीशंस पता करने पड़ेंगे, राइट। और दूसरी बात, जब हम ये फ्लूट्स सीख रहे हैं तो इसमें, जैसे हम इंडियन फ्लूट पर सारे गामा पद निशा बोलते हैं और सफ़ेद एक, सफ़ेद चार, सफ़ेद पांच या काली एक, काली दो, आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन इस फ्लूट पर जब हम अगर आगे सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हमें साथ में दिमाग में ये सुर भी फिक्स हो जाने चाहिए। हमें सुर मालूम होने चाहिए कि जैसे सफ़ेद एक की सरगम सारे गम पद निशा, हम इंडियन प्ले तो फ्लूट लिया सारे गम पद निशा बजा लिए, ठीक। लेकिन इस फ्लूट पर हम अगर सफ़ेद एक से बजा रहे तो हमें मालूम होना चाहिए सफ़ेद एक मतलब, सफ़ेद एक को हम सी भी कहते हैं, सी से सरगम बजेगी तो उसमें जो जो सुर बसते जाएंगे वो दिमाग में क्लिक भी होते रहना चाहिए कि ये सी सारे ग, तो सी का सफ़ेद एक, रे मतलब डी, ग मतलब ई, म मतलब एफ, प मतलब जी, ध मतलब ए, नी मतलब बी और सा मतलब फिर से सी। ऐसे ही सी शार्प मतलब काली एक का अगर बजा रहे काली एक की सरगम, तो काली इंडियन में तो क्या फ्लूट लिया सारे गांव पद निशा बज गया, लेकिन यहाँ पे फिंगरिंग सारे फिंगरिंग पोजीशन चेंज हो जाती है। इसलिए हमें ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि काली एक का बोल रहे हम, काली एक की सरगम बजा रहे हैं तो काली एक का पोजीशन कहाँ है, तो काली एक को और क्या कहते हैं, सी शार्प भी कहते हैं, तो सी शार्प, ई फ्लैट, एफ, एफ शार्प, ए फ्लैट, बी फ्लैट, देन सी एंड सी शार्प। तो इस ढंग से ये सुर भी हमें मालूम होने चाहिए। और इस विषय पर ऑल बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूट करके मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी साइड में आपको दिखता भी होगा। तो हम जो जो बेसिक, तो क्या है, सिंपल वे में कहे तो सात सुर होते हैं। एक ऑक्टेव समझ लो, उसमें वाइट कीज़ और ब्लैक कीज़, सारे वाइट कीज़ को क्या कहते हैं ये हमें ध्यान में रखना है, सारे ब्लैक कीज़ को क्या कहते हैं ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये एक ज़रूरी बात है कि हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते तो हमें ये चीज़ भी ध्यान में रहनी चाहिए कि कौन से सुर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सिंपल है, ए बी सी डी ई एफ जी, और ब्लैक कीज को सी शार्प, ई फ्लैट, एफ शार्प, ए फ्लैट एंड बी फ्लैट, राइट। अगले
वीडियो में हम सरगम पर आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अब इस फ्लूट पे शुरुआत सरगम से करेंगे। सरगम कैसे बजती है, सुरों के पोजीशंस, फिंगरिंग कैसे है, अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।